मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। टू कीप योर ब्रेन फिट एंड एक्टिव लॉजिकली सॉल्व वन पजल एवरी डे। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स में कुछ लेटर्स हैं। आपने करना क्या है, लेटर्स को रिप्लेस करना है डिजिट 0 से लेकर के 9 तक। याद रखिए हर लेटर का एक वैल्यू होगा, इसका अर्थ है हर लेटर के वैल्यू अलग अलग होंगे, दो लेटर्स के सेम वैल्यू नहीं हो सकते। आप पजल को सॉल्व करें उसके पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने पजल नंबर 26, उसमें पजल्स नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो था नंबर 26, 26, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लें। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उससे आपको मदद मिलेगी। इस भाग में 5 प्रॉब्लम्स होंगे, अगली स्लाइड में आप 5 प्रॉब्लम देखेंगे। आगे बढ़ने के पहले अपने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप सॉल्व कर लें उसके बाद आगे की स्लाइड्स देखें। मैंने स्टेप्स दिए हैं लेकिन डिस्कशन नहीं किया है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेप्स को ब्रीफली लिखें। जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है और जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं, यदि आप उससे अच्छा प्रोसेस या छोटा प्रोसेस निकाल सके, वंडरफुल। किसी भी पजल को अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ये मान लेना कि मेरा मेथड दी बेस्ट है, गलत होगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5। सॉल्व कीजिए उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम नंबर 1, AB4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1BA4। लॉजिकल क्लैरिटी की जरूरत है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी जरूरत है। आंसर आसानी से मिलता है, A equals to 2 एंड B equals to 5। 2, 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1, 5, 2, 4। प्रॉब्लम नंबर 2, 4AB मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 3AA6। यहां पर मैं रिपीट करता हूं, यदि आपने वीडियो नंबर 26 को आत्मसात किया है तो इस तरह की पजल आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे और आपको उत्तर मिलेगा A equals to 7 और B equals to 2। 4, 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 3, 7, 7, 6। क्वेश्चन नंबर 3, AB8 इंटू सी इक्वल्स टू B4B। इस पजल का लॉजिक डेवलप करने में मुझे भी थोड़ा वक्त लगा। मैंने 2 स्टेप में सॉल्व किया। पहले स्टेप में मैंने कंसीडर किया 8 इंटू सी इक्वल्स टू *B और मैंने 8 की टेबल लिखी 2 से लेकर के 9 तक। 5 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि 8, 5, 40 0 हो नहीं सकता था। स्टेप 2 में मैंने कंसीडर किया B इंटू सी प्लस कैरी फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू *4, रिजल्ट का बीच वाला नंबर। जब इसके लिए मैंने टेबल बनाई तो मुझे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मिली, 4 इंटू 3 प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड 2 इक्वल्स टू 14। एंड मैंने कंक्लूड किया कि बी का वैल्यू होगा 4, सी का वैल्यू होगा 3 और ए का वैल्यू होगा 1।
148 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 444। शायद आप कोई प्रोसेस निकाल पाए जो इस प्रोसेस से आसान हो और छोटा हो, इफेक्टिव हो। प्रॉब्लम नंबर 4, AA3 मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल्स टू 111B। पता नहीं आपने आंसर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बट मेरे हिसाब से ये सम इम्पॉसिबल सम है, मैंने लॉजिक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, ABA मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1A7A। एक ही पॉसिबिलिटी है, A इक्वल्स टू 5 एंड B इक्वल्स टू 2। 525 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1575। इस तरह की पजल से आपका इनिशिएशन हो गया नंबर 26 से लेकर के नंबर 30 तक। आगे इस तरह की और पजल्स हम देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स थोड़े बड़े होंगे, प्रॉब्लम्स थोड़े यूनिक होंगे। इस तरह की पजल से आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी बढ़ेगी, इवन आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। 501 पजल की यात्रा में सीखते सिखाते हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।